इलेक्ट्रोकिनेसिस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने दिमाग की शक्ति से कंट्रोल में करना। और अगर एक बार आप इलेक्ट्रोकिनेसिस सीख जाएं, तब आप एटम्स को करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए, मैं हूँ ऑस्कर ओपन और आप देख रहे हैं दी नॉलेज इज पावर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू डू इलेक्ट्रोकिनेसिस। दोस्तों, एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक पर्सन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, उसे एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे चार्ज बैटरीज में से भी सोख सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोकिनेसिस के तीन मोड होते हैं। पहला इलेक्ट्रो मैनिपुलेशन, दूसरा फोटोकिनेसिस और तीसरा है टेक्नोकिनेसिस। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे इलेक्ट्रो मैनिपुलेशन के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रोकिनेसिस को हम लोग ईके भी कह सकते हैं और इसके बारे में आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा और शायद कॉमिक्स में ही पढ़ा होगा। दोस्तों, ऐसा बिलीव किया जाता है कि किसी और साइकोकिनेसिस एबिलिटी की तरह हम इलेक्ट्रोकिनेसिस के गिफ्ट को भी बाहर ला सकते हैं और इसके लिए आपको लगेगी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, लेट्स नो अबाउट द स्टेप्स टू डू इलेक्ट्रोकिनेसिस। स्टेप 1, गेट इनटू अ पीसफुल माइंड। दोस्तों, किसी और साइकोकिनेसिस एबिलिटी की तरह आप इलेक्ट्रोकिनेसिस को भी शुरू करने से पहले अपने माइंड को बिल्कुल ही पीसफुल बना लीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन या फिर कोई और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप 2, लिसन इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रोकिनेसिस की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले आप इलेक्ट्रिसिटी को सुन सकते हो और उसके साउंड्स को भी सुन सकते हो। आप इसके लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हो या फिर वो साउंड कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रोकिनेसिस के शुरुआती स्टेज में हो तो साउंड्स को इमेजिन करना बहुत ही जरूरी है। स्टेप 3, विजुलाइज। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और ऐसा विजुलाइज कीजिए कि आपके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे तक। और दोस्तों, आप विजुलाइजेशन को सबसे अच्छे तरीके से तब कर सकते हो जब आप रात को सोने जाने से पहले उसे करो। आप डेली उसे कुछ मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना और अपनी आंखों को बंद करना और ऐसा विजुलाइज करना कि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे तक। और ऐसा विजुलाइज करने में आपको कई हफ्ते भी लग सकते हैं। स्टेप 4, फील इन योर हैंड्स। दोस्तों, मैंने जो आपको स्टेप्स बताया, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ज़रूर फील कर पाएंगे। और अगर एक बार आप इलेक्ट्रिसिटी को फील कर पाए तो आप उसे अपने हाथों में डायरेक्टली सेंड कर देना और फिर उसे अपने हाथों से अपनी उंगलियों में ट्रांसफ़र करना। और फिर आप देखना, आप सिर्फ अपने आँखों को खोल कर या बंद कर उस एनर्जी को एक्टिवेट कर पाओगे और फिर आप अपने उंगली से उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को किसी चीज़ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि एक टीवी में या फिर एक बल्ब को ग्लो करने में या फिर आप उसे किसी को भी शॉक देने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी व्यूज मुझे नीचे कमेंट करें और बताएं क्या आप इलेक्ट्रोकिनेसिस को सीखना चाहेंगे। लाइक करें इस वीडियो को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो आप मेरे वीडियोज मिस कर देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।